आइए बात करते हैं जमशेदपुर में एक ही जगह एक के बाद एक आधा दर्जन दो पहियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की। जमशेदपुर के बागे जमशेद चौक के पास शनिवार सुबह एक के बाद एक लगातार आधा दर्जन दो पहिया वाहनों के गिर जाने से उधर राहगीरों में घबराहट फैलने लगी। बाद में पता चला कि वहां सड़क पर मोबिल गिर जाने से गाड़ियां फिसल कर गिर रही थी। पुलिस ने वहां मिट्टी बालू डलवाया तब दो पहियों का गिरना रुका। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बागे जमशेद चौक के पास शनिवार सुबह अचानक उधर से गुजरने वाली दो पहिया गाड़ियां फिसल कर गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में आधा दर्जन से अधिक दो पहिया चालक वहीं दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे राहगीरों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि बारिश थोड़ी देर पहले ही बंद होने के कारण सड़क भीगी होने से पहले तो पता ही नहीं चला कि ऐसा अचानक गाड़ियों के स्लिप होकर गिरने का कारण क्या है, लेकिन बाद में गौर से देखने पर पता चला कि वहां मोबिल या ऐसा ही कोई चिकनाई वाला पदार्थ गिरने के कारण सड़क पर फिसलन हो गई है और उससे अनजान दो पहिया चालक वहां पहुंचते ही फिसल कर गिर जा रहे हैं। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई, जिन्होंने वहां मिट्टी बालू डलवाया, तब जाकर फिसलन कम हुई एवं लोगों का गिरना बंद हुआ। दुर्घटना के शिकार वाहन चालकों ने बताया कि नॉर्मल स्पीड में गाड़ी होने के बाद भी अचानक स्किड कर गिर जा रही थी। मोबिल गिरा हुआ, चार पांच आदमी लगातार गिर गए, ये मोबिल गिरा हुआ है। इसी गाड़ी का मोबिल गिरा है, इसलिए जो है ना गाड़ी जो है नॉर्मल स्पीड में है लेकिन वो स्लिप कर करके गिरी। आपको भी चोट आया है? ठीक है, बस लेकर। दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।